अगे वधदे आं। राज्यसभा तो बाद हुण लोकसभा विच वी 1944 विच सिख गुरद्वारा एक्ट दे विच सहिजधारियां नूं दित्ते गए वोटिंग दे अधिकार नूं खारिज करन दा बिल पास हो गया। राज्यसभा विच तां बिल सौख्यां पास हो गया सी, पर लोकसभा विच इस बिल नूं लै के अकाली दल, कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी विचाले तिखी बहस हुई। पार्लीमेंट इजलास दे पहले दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जिवें ही 1925 गुरुद्वारा एक्ट विच सहिजधारियां दे वोटिंग अधिकार नूं खत्म करन दा बिल रखिया तां इस ते अकाली दल अते कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी विचाले बहस शुरू हो गई। अकाली दल वल्लों बिल दा समर्थन कीता गया अते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस ते बोलदे होए कहा कि सिख भाईचारे नूं अपने गुरु धामां दी सेवा संभालण दा अधिकार है अते 1944 विच साजिश दे तहत इस विच तब्दीली कीती गई सी। उधर राज्यसभा विच इस बिल का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने लोकसभा विच इस बिल का विरोध किया। An effort was made to meddle with the Sikhs. It is for the Sikhs to decide who should vote for their Gurdwara and who should not. If anybody has an objection, I don't think non-Sikhs are in a position that they should decide who is a Sikh and who is not. Our country gives us the liberty to practice our Sikh. Who wants to vote is most welcome to follow the tenets and the things laid down by the great Guru Gobind Singh Ji, and they're most welcome to vote. आपने political फायदे के लिए आप ये बिल ला रहे हो, क्योंकि ताकि आपका गुरुद्वारों पे जो राज चले। आप मिनोरिटी की बात करते हो, आप मिनोरिटी में एक सब मिनोरिटी क्रिएट करना चाहते हो, आप सब मिनोरिटी क्रिएट करना चाहते हो। 70 लाख लोग उधर आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान ने सिख गुरुद्वारा एक्ट से अपनी पार्टी का पक्ष रखा। भगवंत मान ने बिल का विरोध करते हुए अकाली दल के बिल लियाने सवाल खड़े किए। उधर बीजेपी वालों इस बिल से मीनाक्षी लेखी ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि विरोधी धिर बिल को गलत तरीके नाल पेश करते हुए इसका विरोध कर रहा है। वोटर वही हो जो मैनेजमेंट भी कर सके। खालसा मेरा रूप है, ते जेड़े बंदे खालसे दा रूप नहीं रख सकते, ओ मैनेजमेंट करना चाहते ने। So I am supporting this particular enactment only on the base of one particular statement. जब हम माथा टेकने जाते हैं तब कोई मना नहीं करता, वोट नहीं कर सकते हम, वोट क्यों नहीं कर सकते। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, जो हर रोज गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने जाते हैं, उन सबको हक होना चाहिए। लोकसभा विच इस बिल दा बीजेडी टीआरएस वर्गियां खेतरी पार्टियां ने भी समर्थन किया। फिलहाल लोकसभा च मोहर लगन दे नाल ही लंबे समय तो भखे इस विवाद दे किसे तण पत्तन लगन दी उम्मीद बनी है। नाल ही सिख कौम विच खड़ी हुई इक वड्डी दुविधा भी मुल्क दी पार्लीमेंट च मिली इस हरी झंडी नाल दूर होवेगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी लोकसभा विच इस बिल दे पास होण ते खुशी जाहिर कीती है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਜਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੇਂ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਤਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੋ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਥੇ।
ये अडवाणी साहब और बीजेपी की लीडरशिप थी जिन्होंने मजबूर किया, क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में है कि सभी जितनी बातचीत तब होती रही लेट प्राइम मिनिस्टर के साथ उनमें सभी की उन सभी में सहमति सतप्रकाश सिंह बादल की थी। उधर पंजाब कांग्रेस आगू कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लू स्टार दी फाइलां जनतक करने थे कोई इतराज नहीं, पर वो इसकी टाइमिंग से सवाल जरूर चक रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस चोणों नाल जोड़ के भी वेख रही है। अमृतसर तो राजन गुसाई जी मीडिया। गल किसानां दी करदे आं, मानसा जिले में कर्ज़ तो परेशान किसानों वालों खुदकुशियां करन दे मामले सुर्खियां च रहे ने, पर हुण बैंकां वालों किसानों तो कर्जे की रिकवरी करन लई नवी मुहिम शुरू की गई है, जिसका किसान जथेबंदियां ने विरोध किया। बैंक के 10 वड्डे डिफाल्टरां की सूची, बैंक वालों लाई गई सूची में उन्हां किसानों के नाम पते अते तस्वीरां ने जो बैंक तो लए कर्ज नूं किसी कारण मोड़ ना सके। बैंक की इस कार्रवाई का किसान जथेबंदियों ने विरोध किया है। किसान आगुओं के मुताबिक इस तरह किसानों नूं जलील किया जा रहा है। किसान आगुओं ने मांग की है कि बैंकों चो किसानों दी तस्वीरां अते ना हटाए जाण, नहीं तो वह तिखा संघर्ष करनगे। अखबार चो ना आता है मानसिक तौर पर तंग हों, इस करके खुदकशियां कर दिया। असीं सरकार तो प्रशासन तो मांग करते हैं भी जिहड़े मैनेजर ने तस्वीर लाइया उन्होंने बनती कार्रवाई की जाए, तस्वीर लहाइया जा। जे ना इन्होंने इस तरह किया तो असी संघर्ष तेज करके ये किसानों दी चैकबुक वापस भी करावे, तो किसानों दी बैंकों के तस्वीर भी लवावे। किसानों ने तो फोटो ला के उन्होंने विजित किया जाता बैंक अधिकारियों वालों, पर दूसरी तरफ देश के किन्ने ही बड़े घराने ने बड़िया कंपनियों के मालक है, सियासतदान है, जिन्होंने अरबा खरबा रुपया जो है कर्जा लिया होया, उन्होंने लिस्टा क्यों नहीं जारी करते, उन्होंने क्यों नहीं अखबारों में देंगे। किसान आगू बैंकों किसानों की तस्वीर लाए जाने का विरोध कर रहे हैं, पर सहकारी बैंक के मैनेजर के मुताबिक इस नाल रिकवरी दे विच सुधार होंदा है। पर जो इस संबंधी जिले के डिप्टी कमिश्नर नाल गल की गई तो उन्होंने कहा कि वह इस गल की जाँच करवाएंगे कि बैंक इस तरह की तस्वीर ला सकते हैं या फिर नहीं। मैं इस बारे इनकुआरी करा लैंना कि नियमों मुताबिक जिहड़ा बैंक हैगा कि वो कर्जा ना मोड़न वाले किसानों दीआं इस तरह दीआं तस्वीरां लगा सकदा है कि नहीं लगा सकदा। जेकर इनकुआरी च ये गल सामने आई कि किसी भी बंदे ने नियमों के उल्ट जाके कोई काम किया तो डेफिनेटली उहदे विरुद्ध कार्रवाई की जाऊगी। बैंक के अधिकारी अपने कर्ज़ की रिकवरी के लिए डिफाल्टर किसानों दीआं तस्वीरां लाउण नूं जायज़ दस रहे ने, पर किसान जथेबंदियों नूं बैंकों की यह कार्रवाई नागवार गुजर रही है। किसानों का तर्क है कि जे देश के वड्डे उद्योगपतियों नूं कर्ज विच छोट दित्ती जा सकती है तो फिर किसानों नूं क्यों नहीं। बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा। साल 2016 की शुरुआत विच पठानकोट एयरबेस से हुए दहशतगर्दी हमले विच सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने किवें जांबाजी के नाल दुश्मनों का सामना किया, इस तो हर कोई वाकफ है, पर अजिहे ऑपरेशन नूं कामयाबी नाल पूरा करन विच कुछ होर जांबाज जवानों की मदद करते हैं, जिन्हों का जिक्र घट ही वेखन मिलता है। अजिहा एक जांबाज है रॉकेट, जिसनों हुण बहादरी सन्मान देने की सिफारिश की गई है। तुसीं देखो पठानकोट तो एक खास रिपोर्ट, तो मैनू इजाजत दिओ, धन्यवाद। रॉकेट नूं मिलेगा बहादरी सन्मान, एनएसजी दे जांबाज रॉकेट नूं सन्मान की सिफारिश। पठानकोट हमले च निभाई सी अहम भूमिका, यह है रॉकेट जिसने पठानकोट हमले च एनएसजी ऑपरेशन दौरान अहम भूमिका निभाई सी। रॉकेट की बहादुरी करके ही एनएसजी नूं दहशतगर्दां नूं ढेर करन च मदद मिली सी। दरअसल एक दहशतगर्द हमले दौरान इमारत विच दाखल होने की कोशिश कर रहा सी, उदों एनएसजी ने अपने डॉग कमांडो रॉकेट नूं दहशतगर्द पिछे छड़ दिता। मुस्तैदी विखाते हुए रॉकेट ने उस दहशतगर्द ते चपट्टा मार के हमला किया, जिसके बाद एनएसजी कमांडो ने दहशतगर्द नूं मार मुकाया। रॉकेट की इस बहादुरी की वजह करके ही उसनू बहादुरी सन्मान दिते जाने की सिफारिश की गई है। रॉकेट का नाम हमले शहीद हुए लैफ्टिनेंट कर्नल निरंजन और दो होर लोगों के नाल बहादुरी मैडल लिए भेजा गया। 1984 में स्थापित की गई एनएसजी वालों पहली बार किसी डॉग लिए बहादुरी मैडल की सिफारिश की गई है। रॉकेट बेल्जियम मेलिनॉइस नसल का डॉग है। इन्ह डॉग्स नू खास तौर पर इंसानी मौजूदगी, धमाका खेज और IED सूंघण की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान विच लुके दहशतगर्द उसामा बिन लादेन नू लभण लई भी इसे नसल दे डॉग का इस्तेमाल किया गया सी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।